पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा के धनौरा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी और सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य महागठबंधन पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अमरोहा के धनौरा में भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से पहले हाथी नोट खा खा कर मोटा हो गया था, अब भैंस के बच्चे से भी छोटा हो गया है और साइकिल प्रदेश में कब्जा करने का काम करती थी, वही साइकिल के गुंडे पुलिस से नहीं बल्कि पुलिस गुंडों से डरती थी। प्रदेश की जनता ने 2017 में साइकिल को खंड खंड कर दिया, वहीं हाथ का पंजा आम आदमी को लूटने और खसोटने का काम करता था। उन्होंने कहा कि एक तरफ भ्रष्टाचार को मिटाने वाले नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार करने वाले महागठबंधन के दल हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जो चाय वाले भी हैं, चौकीदार भी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, ऐसे में जो पिछली सरकारें 55 वर्ष में नहीं कर सकी वो नरेंद्र मोदी ने 5 साल में करके दिखा दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोककर गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। यदि मोदी जी भ्रष्टाचार नहीं रोकते तो फिर गरीबों के लिए योजनाएं कैसे चलती। उन्होंने कहा कि जो देश का विकास हो रहा है लक्ष्मी के कारण हो रहा है और लक्ष्मी जी ना हाथी पर बैठकर आती हैं और ना हाथ के पंजे पर बैठकर आती हैं, लक्ष्मी जी तो कमल के फूल पर बैठती हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में भाजपा के पक्ष में हुए मतदान की सफलता को देखते हुए महागठबंधन बौखला गया है। तीन किस्त के माध्यम से हम उसके खाद और बीज में अपना सहयोग करने का काम करेंगे। पहली किस्त मिली की नहीं मिली है आप लोगों को? काफी लोगों को मिल गई है और जिनको नहीं मिली उनको मिलने वाली है। मेरे मोदी जी का लक्ष्य देश की 130 या तो 136 करोड़ का आंकड़ा आ गया है कि 136 करोड़ की आबादी भारत की हो गई है। देश की 136 करोड़ की आबादी वाले इस भारी जनसंख्या में किसानों की सर्वाधिक संख्या, किसानों की तब से अब तक 18 घंटे कम से कम प्रतिदिन काम करते हैं और एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। तो मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूं क्या कि जो बाकी के 5 दिन बचे हैं, इन बाकी के 5 दिन इतने जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग नरेंद्र मोदी जी की तरह 18 घंटे नहीं तो कम से कम 10 घंटे कमल के फूल से ईवीएम मशीन को भरने के लिए अपना समय देने का काम कर सकते हो क्या?